लापरवाह अधिकारियों की वजह से छुट्टा पशुओं ने किसानों की गेहूं, गन्ना व सरसों की फसल को किया बर्बाद। दरअसल सरकार के लाख प्रयास एवं गौशाला बनाने के बाद भी चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम नारनौर में सैकड़ों पशु सड़कों पर एवं खेतों में खुलेआम घूम रहे हैं। इन पशुओं की वजह से किसान दिन रात अपने खेतों पर बैठा रहता है, फिर भी पशु खेतों में घुसकर गेहूं, गन्ना व सरसों की फसल को खा रहे हैं। ब्लॉक जलीलपुर के खादर क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष भीषण बाढ़ के कारण गन्ने की फसल चौपट होने से आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो गई है। इस साल किसान के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने गौशालाओं का निर्माण कराया है जिसमें पशु भेजे गए हैं, इसके बाद भी ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम नारनौर में सैकड़ों पशु खेतों में खड़ी फसल को खा रहे हैं। ग्राम नारनौर, खानपुर, रायपुर, जलालपुर, दतियाना, जमालुद्दीनपुर के किसानों का कहना है कि घुमंतू पशु जिस खेत में घुस जाते हैं उस खेत की फसल को तबाह कर देते हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। किसानों का यह भी आरोप है कि जिले में दर्जनों गौशालाएं हैं, इसके बाद भी सैकड़ों की संख्या में पशुओं का घूमना प्रदर्शित करता है कि अधिकारी फर्जी आंकड़े सरकार को भेज रहे हैं। खंड विकास अधिकारी जलीलपुर ओमवीर सिंह से फोन पर इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम धींवरपुरा में एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मार्च माह के पहले सप्ताह में हो जाएगा। पशु संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। नाम मेरा खेम सिंह है, ग्राम नानोर है, ब्लॉक जलीलपुर है, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर। खेम सिंह, ये जो गांव में इतने सारे पशु घूम रहे हैं, इस गांव का क्या नाम है, कैसे घूम रहे हैं, जरा इनके बारे में बताएं। ये नानोर है, इसमें कम से कम 150 के करीब पशु हैं। अधिकारियों से भी कहा गया कि गौशाला बनाओ, कहते हैं बना देंगे, सुनवाई नहीं करते, फिर हाथों हाथ बोल देते, फिर मना कर देते हैं बनने के लिए। इन पशुओं से फसलों को नुकसान है या नहीं है? सारी फसल बर्बाद करके फेंकते, सारे गेहूँ चुके, कुछ नहीं खाने को, गन्ना सारा ख़त्म कर दिया, बोने से निकलते ही सारा चुक जाते हैं, गेहूँ भी सारे ख़त्म कर दिए। इन पशुओं का इलाज क्या है वैसे? इनकी गौशाला बनवाई जाए। तो गौशाला तुम्हारे गांव में ग्राम समाज की या ऐसी कोई जमीन नहीं जिस पर गौशाला बन सके? ग्राम समाज है, बन सकेगी। तो गौशाला क्यों नहीं बन रही? ये अधिकारी नहीं सुन रहे इस चीज़ को, अधिकारी को लापरवाही है। हाँ, अधिकारी को लापरवाही है इसमें, यानी जंगल तो बतरा पड़ा है। लगभग कितने पशु यहाँ गांव में घुमंतू करूँ? 150 पशु। हाँ, 150। सौरभ कुमार, विलेज में नानोर है, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर। सौरभ, ये जो गांव में इतने आवारा पशु घूम रहे हैं जी, इनके संबंध में जरा बताएं कि इनसे क्या नुकसान है, कि क्या नुकसान? तो भारी हो रहा था इनसे, फसलों को बहुत बड़ी दिक्कत दे रहे, गेहूँ नहीं छोड़े, पहले लाया था, लाया खत्म कर लिया, फिर गेहूँ खत्म करना चाह रहे हैं, बिल्कुल खत्म ही हो गए थे इनसे। तो अधिकारियों के संबंध में बताया गया? अधिकारी कोई भी संबंध, अधिकारी आज तक कोई बात ही नहीं की, अधिकारी नहीं इसी को मारे मिले, किसी ने कोई बात कह लेते इसके मामले में। तो ये किस तरह नुकसान कर रहे हैं डंगर? सर, फसलों को नुकसान ज़्यादा, भारी जो नुकसान पहुँचा रहे हैं सर। गौशाला है क्षेत्र में? सर, गौशाला क्षेत्र में कोई नहीं। क्यों? सब कुछ एरिया नहीं, कुछ गौशाला का तो छोड़े गाँव, बाहर गौशाला तो बाहर वाले मना कर देते हैं, इस गौशाला में हमारे, तुम अपने आप छोड़ो कहीं भी। नाम? राम शरण। गाँव? नानौर। रामशरण जी, जो गांव में इतने सारे पशु घूम रहे हैं, जरा इनके बारे में बताएंगे, इनसे क्या नुकसान है, किस तरह से ये लोग विचरण कर रहे हैं गांव में? अरे, गांव में नियार खा जाते हैं, गेटों में परेशान कर रहे हैं और फसलों में बहुत नुकसान कर रहे हैं। कितने पशु हैं लगभग ये? ये तो सही हो रहे हैं। तो ये सीधे खेतों में जाते हैं, नुकसान करते हैं? सीधे खेतों में जाते हैं, नुकसान करते हैं और फसल उभरन नहीं दे रहे, किसान लोग बहुत परेशान हैं। तो इनका इलाज क्या है? इनका इलाज सरकार या तो इन्हें कंट्रोल करके उसमें पहुँचवावे, गौशाला में। तो आपके गांव में गौशाला नहीं है? गौशाला हमारे गांव में है ही नहीं, आज तक सरकार ने सुनी ही नहीं। तो जमीन वगैरह है जिस पर गौशाला का निर्माण हो सके, या सरकारी जमीन नहीं है जिस वजह से नहीं हो रही व्यवस्था? सरकारी जमीन होगी तो वो तो तहसील वाले निकाल लें उसे, जो मतलब आपका कहना है कि गौशाला बननी चाहिए ताकि ये लोग, ये क्या नाम है, पशु गौशाला में जा सकें। हाँ, गौशाला बननी चाहिए। सतवीर, नानौर का रहने वाला हूँ। अच्छा सतवीर जी, ये नानौर गांव, ये कौन से ब्लॉक में आता है? ये जलीलपुर ब्लॉक है। तो यहाँ जो पशु घूम रहे हैं गाँव में, इनकी कितनी संख्या है, कैसे पशु हैं, किन के पालतू हैं या घुमंतू हैं, जरा इनके बारे में बताएं। ये 200 पशु हैं, ये फसल सारी नष्ट करती, आवारा पशु हैं ये सब। फसल कौन कौन सी?
गेहूँ की भी है गन्ने की दोनों फसल नष्ट कर दी। तो ये ऐसे क्यों घूम रहे हैं इनको, इनका हमारे बालक नन्हे क्या खाओगे? नहीं, इन पशुओं का कोई इलाज नहीं है क्या? इनका इलाज सरकार ही कर सकती है, या तो गौचरा में जंगल छोड़े, या मतलब गौशाला बना करके जंगल भी छोड़े गौचरा में। तो आपके यहाँ गौशाला नहीं है गाँव में? ना गौशाला ना गौचरा, कुछ भी नहीं। तो ऐसा क्यों? सरकार ध्यान नहीं दे रही या कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे, और किसानों का नुकसान हो रहा है इसमें। किसानों का नुकसान तकड़ा। ठीक, बबलू गांव नानोर। ये गांव में कितने पशु घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, जरा इसके बारे में बताओ भाई। ये पशु तो साहब इस समय बिल्कुल बेहाल जिंदगी ऐसे चल रही है, बिल्कुल हर आज किसान खेत में पड़ा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी ऐसी चल रही है इस समय। आदमी घर नहीं सो सकता जो अपने खेत को रखा है इस समय। खेत रात दिन किसान अपने खेत में पड़ा है, अपने खेत में पड़ा जी। अब देखो बात यो है, हमारा पशु इतने हो रहे हैं साहब, क्या करें, घर सो में या बाहर, घर का काम देखें बाहर का देखें। पशु जंगलों में भी? जंगलों में साहब पशु ऐसा कर रहे हैं, मामला मार भी देते हैं। अगर पशु निकालना खेत में से तो साहब पशु मार भी देते हैं। फसलों को नुकसान है इनसे? हाँ। या नहीं? अरे फसल तो सारी खा गई है, सब खत्म कर दी। फसल कहाँ है? अच्छा, फसल कोई दिखाओ, कोई किसी के खेत में खड़ा हो, कोई गेहूँ हो या कोई लहेगा हो, सब लहता पहता। जब जो बोया किसानों ने अपने जमा पूंजी कर हिसाब से अपना अगला पिछला जगह करा था काम, तो साहब किसानों का सब कुछ लहता सब तोड़ दिया है इन्होंने, पशु आवारा पशुओं ने। इनका इलाज क्या है पशुओं का? इलाजों का प्लास साहब मुझे तो पता नहीं, सरकार ही करेगी जो करेगी।